श्रीमती जसकौर मीना। धन्यवाद सभापति जी। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लाए हुए इस बिल का समर्थन करती हूं, लेकिन साथ ही मैं ये व्यवहार में देखना चाहती हूं कि सरोगेसी के व्यवहार और प्रक्रिया के संदर्भ में जो व्यवस्था करने जा रही है हमारी सरकार, इस व्यवस्था को पारदर्शी, अनुशासित और बहुत ही दूरदर्शी भावना से देखते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं जानती हूँ कि जो माँ नहीं बन पाती बहन, उसके दिल में कितना दुख होता है। और ये भी मैं जानती हूँ कि जिस आंगन में किलकारी नहीं बच्चों की होती, उस आंगन के सूने माहौल में किस तरह से माता पिता या वो दंपति तड़पते हैं। इन सब के सुविधा के लिए ये बिल आया है, लेकिन इस सुविधा के साथ साथ एक विशेष प्रक्रिया हमें देखनी होगी कि हमारे समाज में आसानी से ये स्वीकृति हो। लेकिन स्वीकृति तभी होगी जब सरोगेसी माँ बनने वाली बहन वो उस परिवार से संबंधित हो। और जैसा अभी मेरी बहन भारती ने चिंता व्यक्त की कि वो परिवार में नज़दीक के संबंध वाली कौन सी बहन होगी, लेकिन इसके साथ साथ आज कॉमर्शियल क्षेत्र में इस भावना को लेकर उतर पड़े हैं। वहाँ महिला को मशीन न समझा जाए कि वो प्रजनन की मशीन ही बन गई, इस बात का विशेष अनुबंध इस बिल के अंदर होना चाहिए। और ऐसा अनुभव ही नहीं बल्कि कई जगह मैंने देखा है और सुना है और व्यवहार में भी उनसे बातचीत की है कि सरोगेसी बनने के बाद 2 माह 3 माह और 5 माह तक यदि वो गर्भ नहीं रह पाता तो उस परिस्थिति में उस बहन को, उस माँ को, बनने वाली माँ को जो तकलीफ होती है वो तकलीफ बहुत बड़ी होती है। उसका स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, इस बात का भी इस बिल में महत्व होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि पूर्व वक्ताओं ने एक भाव भी, आपने भी वो भाव दिया कि भगवान बलराम सरोगेसी थे, लेकिन इसी तरह से माता सीता के संदर्भ में भी जब बात कही जाती है कि उनके जन्म की कहानी भले ही वो कहानी हो, लेकिन वो भी एक तरह से उस जमाने की सरोगेसी प्रक्रिया से ही वो हमारे सामने आती नजर आती है, क्योंकि वो कहानी है। साहित्यिक सत्य कितना सत्य होता है इस बात में तो हम व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आज जिस तरह से हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में ये सब काम हो रहे हैं, इन कामों के पीछे हमें माँ बनने वाली उस महिला के स्वास्थ्य की चिंता बहुत करनी चाहिए। और साथ ही आज इसके व्यवहार को मूर्त रूप देने वाले जो बोर्ड बन रहे हैं, चाहे केंद्रीय बोर्ड हो चाहे राज्य बोर्ड हो, लेकिन जो दंपति माता पिता बनना चाहते हैं और इस तरह से किसी की कोख को किराए पर लेना चाहते हैं, वो दंपति कोख लेने वाली माता के बारे में क्या सोचते हैं, इसका कठोरता से नियमन होना चाहिए। साथ ही ये भी एक बात ध्यान देने की है कि जो दंपति माता इस तरह से बच्चा पैदा करवाना चाहते हैं, माँ बांझ है और बांझ का जो दंड है वो समाज में बहुत बड़ा दंड है सभापति महोदय। और मैं मानती हूँ कि इस बिल के माध्यम से ऐसी बहनों को जो बंध्या का, बांझ का बोझ इस समाज में ढोते ढोते ताने सुनती है, उनके लिए तो ये बहुत ही उपयुक्त साधन है। लेकिन इस साधन को मैं फिर एक ही बात निवेदन करना चाहूँगी कि जो राज्य बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड बने, उन बोर्ड के समक्ष उन दोनों दंपतियों की पूर्ण जांच होने के बाद यदि उनके अंदर प्रजनन की उपयुक्तता नहीं है तो ही उनको ये अनुमति मिलनी चाहिए। आज जगह जगह इस तरह के छोटे गांवों में भी वो क्लिनिक हो गए हैं जहां इस तरह की सुविधाएं उनको प्राप्त हैं, लेकिन उन पर किसी भी तरह की सरकारी निगरानी नहीं है। माता बनने वाली बहन अनेकों बीमारियों से ग्रसित हो जाती है, उसकी बीमारियों की ग्रस्तता हमें ध्यान में रखनी है। दूसरा ये भी है कि जो वाणिज्यिक दृष्टि से अपनी कोख को बेच देते हैं, बेचती हैं बहनें, उन पर भी हमें पूर्ण चौकसी रखनी पड़ेगी। वैसे तो परंपरागत तरीके से, सही तरीके से यदि देखते हैं तो ये इलाज बहुत महंगा है, गरीब आदमी इसको अडॉप्ट नहीं कर सकता। इस गरीबी के कारण जो बांझ बहनें हैं वो काफ़ी तकलीफ में भी रहती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोई ना कोई उन गरीबी में जीने वाले ग्रामीण माताओं को, जो जो बहनें हैं जो माँ नहीं बन सकी, उनके लिए भी कोई ना कोई सुविधा इस कानून के अंदर होनी चाहिए। अंत में मैं एक ही बात कहूँगी कि अब जब हम ये सोचते हैं इस जमाने में और
आदिकाल में जब भगवती सीता की कहानी सुनते हैं तो निस्संदेह कहीं ना कहीं परिवार के अंदर वारिस की जरूरत ज्यादा महसूस करने लगे हैं। वारिस की लालच में जिस तरह से भी आज बच्चों को चाहे सरोगेसी के माध्यम से, चाहे गोद के माध्यम से, चाहे अन्य किसी तरीके से अडॉप्ट करते हैं, उनके साथ भी जो व्यवहार होता है उस व्यवहार की चिंता भी इसमें होनी चाहिए। और वो बच्चा बड़ा होने के बाद अपने उन माता पिता जो जिन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको प्राप्त किया है उनके साथ जो व्यवहार होता है उसको भी कहीं ना कहीं इसमें इंगित करना पड़ेगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि आज इस बिल को लाकर महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सुख के लिए, महिलाओं के उन्नत करने के लिए या उनमें समाज में कहीं ना कहीं उनको उचित स्थान दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए हमारी सरकार ने जो ये बिल लेकर आए हैं, मैं तहे दिल से इसका समर्थन करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।